Assalamu alaikum. Today's my lecture is history of manual therapy. In this lecture, we will cover definition of manual therapy, history of manual therapy, special features, and at last, little bit summary, an overview of manual therapy. Basically, our lecture is about history of manual therapy. So, first of all, we have to know what is manual therapy. Manual therapy actually hai kya? Manual therapy means to work with one's hand. Manual therapy ka matlab hai ki hum hand ke zariye kaam kare, hand ke through kaam kare. Hand ke through kaam kare means soft tissue massage ho gaya, matlab different mobilization techniques hogi, manipulation techniques hogi, means hand ke through exercise karke examiner jo hai exercise recommend karke ya re uski wajah se better result therapeutic effect produce kare, means hand ke through jo hai ek थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे जिसकी वजह से उसकी ट्रीटमेंट हो जाए पेशेंट की, तो उसे हम बोलते हैं मैनुअल थेरेपी. मैनुअल थेरेपी हैंड ऑन टेक्निक्स यूज़ करते हैं. मैनुअल थेरेपी का मेन काम यह होता है कि इसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगा, जो कि रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट्स में, रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट्स इनमें जो जॉइंट्स मूवमेंट नहीं कर सकते अभी, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करने के लिए मैनुअल थेरेपी यूज़ होती है. दूसरा यह है कि यह फंक्शन मसल्स, नर्व्स और जॉइंट्स का फंक्शन इंप्रूव करता है. नेक्स्ट, मैनुअल थेरेपी जो फिजिकल थेरेपी प्रोफेशन है उसमें मैनुअल थेरेपी को डिफाइन किया जाता है कि ये यूटिलाइजिंग स्किल हैंड स्पेसिफिक हैंड ऑन टेक्निक्स होती हैं जिनका बेसिक जो उनके मकसद होते हैं, बेसिक जो बेनिफिट्स हैं, एक तो ये मैनिपुलेट और मोबिलाइज, मींस मैनुअल थेरेपी के थ्रू हम जॉइंट्स जो हैं, जो कि जॉइंट्स रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट्स हैं, उन्हें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें स्पेस क्रिएट करना है, या फिर अगर शोल्डर जो है वो डिसलोकेटेड है उसे हमने फिक्स करना है, तो उसे हम मैनिपुलेशन करके क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, हाई वेलोसिटी शॉर्ट थ्रस्ट पर देंगे, और उसकी वजह से मैनिपुलेशन या जॉइंट्स में मोबिलाइजेशन करना है मोशन इंप्रूव करने के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करने के लिए, सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, रिलैक्सेशन इंड्यूस करने के लिए. रिलैक्सेशन किस तरह इंड्यूस होगी, जब सॉफ्ट टिश्यू मसाज होगी तो वो हैंड्स के थ्रू होती है. तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास मैनुअल थेरेपी में कवर होती हैं. फिर कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिशू रिपेयर के लिए, मीन्स लिगामेंट्स, मसल्स, टिशू, इन सब को इम्प्रूव करने के लिए भी हमारे पास मैनुअल थेरेपी टेक्निक यूज़ होती है, मूवमेंट फैसिलिटेट करने के लिए या और फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेफिनेशन IFOMPT ने दी. IFOMPT जो ये एक फेडरेशन है जिसने OMT ऑर्थोपेडिक मेडिकल ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी की डेफिनेशन दी. IFOMPT हमारे पास इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक मैनिपुलेटिव फिजिकल थेरेपिस्ट थे जिन्होंने OMT को डिफाइन किया. उन्होंने बोला OMT जो है जैसे बायो होती है उसकी डिफरेंट फील्ड होती हैं, जोलॉजी, बॉटनी, इस तरह इसी तरह उन्होंने बोला कि फिजिकल थेरेपी की ये सब ब्रांच है. फिजिकल थेरेपी के स्पेशलाइज्ड एरिया में हम ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी आती है जिसका मेन काम ये होता है कि न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन जितनी भी हैं उनकी मैनेजमेंट करना, पेन को रिड्यूस करना, मस्कुलोस्केलेटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करना, जो कि हमारे उसका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो स्पेसिफिक बेस होता है क्लिनिकल रीजनिंग पे, प्रॉपर क्लिनिकल रीजनिंग पे डिपेंड करता है, मीन्स उस पर क्लिनिकल एविडेंस होगा उस बेस पे जो है ट्रीटमेंट चलेगी. जैसे मैकेंजी प्रोटोकॉल है, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रीटमेंट प्लान्स हैं में बेस पे जिस पे सर्च हो चुकी हो, जो कि हमारे पास क्लिनिकल रीजनिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लिनिकल रीजनिंग पे हमारे पास ट्रीटमेंट जो है वो मैटर करती है, ट्रीटमेंट अप्रोच होगा. जब हमारी क्लिनिकल रीजनिंग सही होगी, एविडेंस होगा, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अप्रोच होगा, उसकी वजह से मैनुअल थेरेपी जो है सही से होगी. इसकी वजह से न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस की मैनेजमेंट होगी और हम इसे हम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज के थ्रू भी कर सकते हैं. हिस्ट्री ऑफ मैनुअल थेरेपी. अब हमारे पास मेन टॉपिक हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ मैनुअल थेरेपी. हिस्ट्री ऑफ मैनुअल थेरेपी में हमारे पास हिस्ट्री ऑफ मैनिपुलेशन. सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स से इसकी हिस्ट्री आई. हिप्पोक्रेट्स कौन थे? हिप्पोक्रेट्स हमारे पास ग्रीक फिजिशियन थे जो कि उससे पहले हिप्पोक्रेट्स से पहले 460 to 355 BC से पहले हमारे पास जो पीपल होते थे उनका बिलीफ होता था कि ये बीमारियां जो हैं अल्लाह की तरफ से आती हैं, या फिर बीमारियां जो हैं किसी गुनाह हो गया उसकी वजह से होंगी, मतलब उनके डिफरेंट बिलीफ्स होते थे, डिफरेंट व्यूज़ होते थे, उसकी वजह से आती हैं. तो हिप्पोक्रेट्स जो फिजिशियन थे फर्स्ट उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर बीमारी की कोई ना कोई वजह होती है. तो ये फर्स्ट
थे जिन्होंने जो कॉन्सेप्ट लेके आए फिजिशियन मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए, उन्होंने इस पर भी लिखा, बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने बुक में। एक बुक में उन्होंने ये भी लिखा ऑन सेटिंग जॉइंट्स बाय लेवरेज, के जॉइंट्स जो हैं लीवर के थ्रू सेट होते हैं, मीन्स उसके उसमें डिफरेंट आगे भी हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर, कि हमारी बॉडी जो है वो लीवर की तरह काम करती है, कि जॉइंट जो है वो एज अ फल्क्रम एक्ट करता है, फिर एक मसल जो है एफर्ट की तरह एक्ट करेगा, दूसरा लोड की तरह एक्ट करेगा, और इस तरह पूरी बॉडी जो है बैलेंस होती है, स्टेबल होती है। तो ये हमारे पास बॉडी जो है एज अ लीवर एक्ट करती है। दूसरा उन्होंने स्पाइनल ट्रैक्शन पे भी काम किया कि स्पाइन जो बैक में हमारे पास स्पाइन है, स्पाइन में स्पेस क्रिएट करना, रिडक्शन ऑफ डिसलोकेटेड शोल्डर, अगर शोल्डर जो है डिसलोकेट हो चुका है उसको रिडक्शन करना, इस सारे के बारे में हिपोक्रेट्स ने लिखा, उन्होंने बताया। उन्होंने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए थे हिपोक्रेट्स ने, जो कि हमारे पास हिस्ट्री में है, अभी भी म्यूजियम में है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने बोला हुआ है हिस्ट्री ऑफ मैनुअल थेरेपी में। फिर हमारे पास जब इसके दौर के बाद कौन है ये हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स के बाद एविसिना आ गया। एविसिना जो है उसे हम इब्ने सीना भी है, इब्ने सीना भी बोलते हैं। ये हमारे पास डॉक्टर्स ऑफ डॉक्टर्स मीन्स इन्हें डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स भी बोलते हैं। ये बगदाद से हैं, फ्रॉम बगदाद 982-1037 CE। इन्होंने एक बुक कंपाइल की थी जिसका नाम था द कानून ऑफ मेडिसन, कानून ऑफ मेडिसन। उसमें उन्होंने डिफरेंट मैनुअल थेरेपी के कॉन्सेप्ट्स वगैरह दिए थे। उन्होंने हिपोक्रेट्स के जो डेफिनेशन से उन्हें थोड़ा एलोबरेट भी किया था, उन्होंने उसका भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट हिस्ट्री में हमारे पास स्टैम्पिंग मेथड के मसाज और दबाना और इस तरह स्टैम्पिंग जो है वो टेक्निक्स और विंग साल्ट को कैरी करना, उसकी वजह से बैक पेन का रिड्यूस होगी, और जिस तरह स्टैम्पिंग है उससे बैक पेन उनका रिड्यूस होता था, लेग पेन इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री ऑफ मैनिपुलेशन में बोन सेटर्स आते हैं। 1600 से लेकर 1900 तक हमारे पास बोन सेटर्स आ गए, मीन्स अभी तक फिजिकल थेरेपिस्ट नहीं आए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं आए, कायरोप्रैक्टर्स नहीं आए, उससे पहले की बात हो रही है। बोन सेटर्स सबसे पहले बोन सेटर्स हो गए, जिस तरह अभी भी कुछ लोग हैं बोन सेटर्स की तरह, मतलब हकीम वगैरह हम बोल सकते हैं, इस तरह जो बैठे होते हैं और बाजू भी फिक्स कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं इस तरह। तो वो बोन सेटर्स जो थे हमारे पास 1600 से 1900 तक थे। और फ्रायर थॉमस जो था उसने एक बुक पब्लिश की थी उस दौर में, बुक पब्लिश की थी जिसका नाम लिखा था द कम्प्लीट बोन सेटर्स 1656 में। उसने बोला कि इसमें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, टेक्निक्स जो हैं विद इन फैमिलीज इनहेरिटेड होती हैं, फैमिलीज के थ्रू पास होती हैं। फिर उनका ये कॉन्सेप्ट था जैसे मैनिपुलेशन में जब थर्स देते हैं तो हमारे पास जॉइंट में जो है क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, तो क्लिकिंग साउंड्स उन्होंने बोला कि जब बोन्स मूव करती हैं और अपनी स्पेस पे वापस आती हैं तो क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस होती हैं। फिर बोन सेटर जो है प्रैक्टिशनर, मतलब बोन सेटर थे गोन प्रैक्टिशनर थे जॉइंट मैनिपुलेशन के, उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता था कि वो जॉइंट मैनिपुलेट कर लेते थे और बोन्स को वापस फिक्स कर देते थे अपनी जगह पे। उसके बाद जो है हमारे पास कायरोप्रैक्टर्स, ऑस्टियोपैथ, फिजिकल थेरेपिस्ट ये सारे आए। फिर हमारे पास एक्स है जेम्स पाइजेट जो है हमारे पास मोस्ट फेमस सर्जन था 19th सेंचुरी का। उसने जो है डॉक्टर्स को सजेस्ट किया कि सारे जो है बोन सेटर्स को ऑब्जर्व करें, बोन सेटर्स में जो अच्छा उन्हें लगे उससे सीखें, जो कि लर्न करना है वो लर्न करें, जो गुड है वो लर्न करें और जो बैड है उसे अवॉइड करें। नेक्स्ट हमारे पास वार्टन हुड आया। वार्टन हुड ने 1871 में फिर उन्होंने बुक में लिखा ऑन बोन सेटिंग बुक लिखी, उसका नाम था ऑन बोन सेटिंग। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन थे। उसने ये भी कहा कि स्नैपिंग साउंड जो है वो हमारे पास एडिजन जो स्कार फॉर्म हो जाते हैं, स्कार टिश्यूज मसल्स टाइट होती हैं, फिर स्कार फॉर्मेशन हो जाती है और कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाती है और जो एडिजन्स हो जाती हैं, तो उन एडिजन्स को ब्रेक करने के लिए उसने कहा कि जब ब्रेक करें तो स्नैपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर हुई, एंड्रयू स्टील ने 1874 में ऑस्टियोपैथी को फाउंड किया, ऑस्टियोपैथी को डिस्कवर किया किसमें, स्कूल ऑफ ऑस्टियोपैथी जो कि किर्क्सवाइल मैसूरी में था। नेक्स्ट थॉमस वर्म्सली है। थॉमस वर्म्सली जो है उसने फर्स्ट टाइम जो है कॉन्सेप्ट जो उसका आर्थ्रोकाइनामेटिक्स का, आर्थ्रोकाइनामेटिक्स मीन मोशन, जो हमारे पास जॉइंट्स पे मोशन होती है, जॉइंट प्ले मोशन होगी और कंपोनेंट मोशन। जॉइंट प्ले में हमारे पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन,
अच्छा, फिर उन्हें बोला कि थॉमस वैम्सले जो था उसने अर्थोकाइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन, इन मूवमेंट्स के बारे में बताया। उन्होंने जॉइंट प्ले के मोशन के बारे में बताया और उसने ये वैम्सले लॉ दिया, एक वैम्सले लॉ उसके नेम पर ही डिस्कवर हुआ। उसने बोला कि जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनकी आर्टिकुलर सरफेस जो है वो इनकॉन्ग्रेंट होती है, मीन्स आर्टिकुलर सरफेस जो है कॉन्ग्रेंट नहीं होती, उसकी वजह से हमारे पास जॉइंट्स पर डिफरेंट मूवमेंट्स हो सकती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन, इस तरह। तो नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल थेरेपी एज मैनुअल थेरेपी। फिर हमारे पास स्वीडन में पर हेनरिक लिंग है, वो जो कि फादर ऑफ स्वेडिश जिमनास्टिक्स, उसने एक पूरा जिम खोला, जिम इंस्टीट्यूट ऑफ जिमनास्टिक, जो रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिमनास्टिक फाउंड किया। उसमें जो प्रैक्टिशनर जो है डिफरेंट जगहों से आते थे और वहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करते थे, सीखते थे। प्रैक्टिशनर जो है हमारे पास यूरोप से आते थे फिजिकल थेरेपी टेक्निक्स सीखने के लिए, कहाँ पे? RCIG में, RCIG रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिमनास्टिक्स, जो कि 1813 में डिस्कवर की थी पर हेनरिक लिंग ने। फिर हमारे पास 1887 में फिजिकल थेरेपी जो उन्हें ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन मिल गई, ऑफिशियल उन्हें जॉब्स मिल गई, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन। 1889 में उनकी सोसाइटी फॉर प्रैक्टिसिंग हेली जिमनास्टिक्स फाउंड हुए। 1894 में चार्टर्ड सोसाइटी फिजिकल फिजियोथेरेपी की इंग्लैंड में फाउंड हुई। 1906 में ऑस्ट्रेलियन मसाज एसोसिएशन जो है वो बनाया गया। मैरी मैकमिलियन जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट था एप्टा का, अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन का, जो कि 1921 में फाउंड हुई। उसके फोर ब्रांचेस उन्होंने फिजियोथेरेपी की फोर ब्रांचेस इन्वेंट की। एक ब्रांच जो थी मैनिपुलेशन टू मसल्स एंड जॉइंट की मैनिपुलेशन करना। नेक्स्ट हमारे पास है थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज, डिफरेंट एक्सरसाइज के थ्रू ट्रीटमेंट करना, इलेक्ट्रोथेरेपी, डिफरेंट एजेंट्स, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके, इलेक्ट्रोथेरेपी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करके, हाइड्रोथेरेपी वाटर के थ्रू एक्सरसाइज वगैरह करके, ये हमारे पास फोर ब्रांचेस उन्होंने डिस्कवर की। नेक्स्ट हमारे पास है विलियम जो था उसने कॉन्सेप्ट डिवेलप किया फ्लेक्शन का। डॉक्टर पॉल विलियम जो है फर्स्ट उसने एक्सरसाइज प्रोग्राम पब्लिश किया 1937 में क्रोनिक लो बैक पेन का। उसने कहा कि जब बंदा फ्लेक्शन में होता है तो उसकी वजह से जो है फ्लेक्शन की वजह से लो बैक पेन जो है ट्रीट होती है। उसने बोला फ्लेक्शन एक्सरसाइज जो है काउंटर स्टोन है इन मैनेजमेंट ऑफ लो बैक पेन के लिए। हमारे पास लंबर एरिया के लिए जो है फ्लेक्शन एक्सरसाइज बेटर होती है, उसकी वजह से पेन जो है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट मैकेंजी प्रोटोकॉल आया, मैकेंजी एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। रॉबिन ए मैकेंजी जो था 1960 में न्यूजीलैंड में, उसने अपने पेशेंट्स पे एक्सपीरियंस किया कि जब पेशेंट को जो है एक्सटेंशन में लेके जाए तो उसकी वजह से हमारे पास बैक पेन जो है वो रिड्यूस होती है। नेक्स्ट जेम्स सीरियस जो है आइंस्टाइन ऑफ ऑर्थोपेडिक मेडिसिन, उसने क्लिनिकल रीजनिंग इस्टेब्लिश की। जेम्स सीरियस जो था उसका कॉन्सेप्ट था, उसने जब डिफरेंट सर्जन्स वगैरह को देखा, ऑर्थोपेडिक उनको देखा, उसने ये डिवेलप किया कि डिफरेंट सर्जरी वगैरह हो जाती है, डायग्नोसिस भी हो जाती है, मींस एक्सरे वगैरह के थ्रू सब कुछ, लेकिन कोई चीज़ें कुछ ऐसे होते हैं वो जैसे हमारे पास टेंडोनाइटिस और इस तरह हो जाते हैं जो कि क्लियर नहीं होते। तो उसके लिए डिफरेंट टेस्ट डिवेलप किए, सॉफ्ट टिश्यू लीजन के लिए डिफरेंट टेस्ट वगैरह डिवेलप किए कि फिजिशियन जो है खुद ही टेस्ट करे और उससे उसे पता चल जाए, डायग्नोसिस हो जाए कि असल प्रॉब्लम क्या है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट उसने डिवेलप किया था कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ के लिए, मसल्स के लिए, पैसिव मूवमेंट टेस्ट उसने इनर्ट स्ट्रक्चर्स के लिए इस्टेब्लिश किए, कैप्सुलर पैटर्न इस्टेब्लिश किया इनर्ट स्ट्रक्चर लीजन के लिए। फिर उसने उसका ये बिलीव था कि लो बैक पेन जो है वो डिस्क की वजह से होती है, जो वर्टीब्रा के दरमियान में हमारे पास डिस्क है उसकी वजह से जो है डिस्क रप्चर हो जाए या डिस्क प्रोट्रूजन हो जाए। उसने बोला कि डिस्क के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो लो बैक पेन कॉज करते हैं। फिर उसने एक टर्म यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी, एंड फील जो है हमारे पास एंड मतलब जब हम पैसिव मूवमेंट दे रहे होते हैं पेशेंट को, उसके एंड पे जैसे स्ट्रेच कर रहे हैं फुल लास्ट रेंज ऑफ मोशन में, मतलब एंड रेंज में जो मोशन फील होती है, जो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, एग्जामिनर एक्सपीरियंस करता है, एंड रेंज में जबकि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उस टर्म को उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हमारे पास गोफ्रे मिटलैंड है। गोफ्रे मिटलैंड ने वर्टिब्रल मैनिपुलेशन पे लिखा, उसका इम्फेसिस जो है टेक्निक पे नहीं था बल्कि ट्रीटमेंट पे था, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, एनालिटिकल एग्जामिनेशन
थी ट्रीटमेंट इसी है। पायनियर जो इसमें जो मोबिलाइजेशन, उसने कहा कि मोबिलाइजेशन जो है पेन को रिड्यूस करने के लिए मोबिलाइजेशन का उसने कॉन्सेप्ट दिया, उसके लिए मेथड्स वगैरह बताए। फिर ओला ग्रिम्सबाय है, ओला ग्रिम्सबाय जो है उसने काम किया एज अ बहुत क्लिनिशियन भी और इंस्ट्रक्टर भी ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी में। ये नॉर्वे फर्स्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर था IFOMPT का, इस फेडरेशन का फर्स्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर था। फिर इसके बाद हमारे पास आता है जेम्स मैनल। जेम्स मैनल ने जो है फीस फर्स्ट दैट जॉइंट प्ले इज अ की नॉर्मल फंक्शन, उसने कहा कि जॉइंट प्ले जो कि जॉइंट पे मोशन होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, ये जो मोशन होती हैं जॉइंट पे मोशन होती है वो हमारे पास फंक्शन के लिए उसे फील किया कि हमारे पास जॉइंट्स में जितनी भी मोशन होती हैं। उसने उसका इम्फेसिस ये था कि स्मॉल एक्सेसरी मूवमेंट जो है वो फुल मूवमेंट्स के लिए, मतलब अगर ये मूवमेंट्स नॉर्मल होंगी, इनकी रेंज सही होगी तो हमारे पास फुल बॉडी की मूवमेंट जो है वो सही होगी। ब्रायन मुलिगन, मुलिगन ने कॉन्सेप्ट दिया मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट का, मतलब उसने डिफरेंट ग्रेड्स दिए थे कि उसमें जो है मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट फर्स्ट ग्रेड में पे रेंज ऑफ मोशन, मतलब डिफरेंट ग्रेड्स दिए थे उसमें रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करने के लिए, पेन को कम करने के लिए स्लाइड्स और ग्लाइड्स दे के जॉइंट्स पे मोबिलाइजेशन के थ्रू हम किस तरह पेन रिड्यूस होती है उसका कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट क्लैटनबॉर्न है, क्लैटनबॉर्न फ्रेडी क्लैटनबॉर्न है। फ्रेडी क्लैटनबॉर्न ने जो है हमारे पास उसकी पेशेंट की इवेल्युएशन और ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट प्रिंसिपल्स के फॉर द थेरेपी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेडी क्लैटनबॉर्न था, 1950s में उसने एक ट्रीटमेंट टेबल भी एडजस्टेबल ट्रीटमेंट टेबल, निमेटिक हाई लो एडजस्टेबल, मतलब जिसपे प्रेशर वगैरह फिक्स होता है, ऐसा ट्रीटमेंट टेबल प्लान किया। नेक्स्ट उसने ट्रीटमेंट टेक्निक्स और डिफरेंट टूल्स वगैरह डिवेलप किए, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। क्लैटनबॉर्न एवजेंथ अप्रोच, क्लैटनबॉर्न एवजेंथ अप्रोच जो OMT क्लैटनबॉर्न एवजेंथ कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास रिजल्ट ऑफ मे कोलेब्रेशन बिटवीन फिजिकल थेरेपीज़ और डिफरेंट फिजिकल थेरेपी फिजिशंस, उन डिफरेंट उन सब के कॉन्सेप्ट मिला के उन्होंने एक क्लैटनबॉर्न एवजेंथ एक पूरा प्लान दिया। ऑर्थोपेडिक मिनिमल थेरेपी क्लैटनबॉर्न एवजेंथ कॉन्सेप्ट जो है वो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट अप्रोच था कि फिजिकल थेरेपी में ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, जो कि बेस्ड था इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑस्टियोपैथिक मेडिसन, फर्दर इनोवेशन, जितने भी हमारे पास पुराने फिजिशंस ऑस्टियोपैथिक मेडिसन सब का कॉन्सेप्ट ले के एक रिजल्ट निकाला। फिर ये जो KEI क्लैटनबॉर्न एवजेंथ इंटरनेशनल जो था वो फाउंड किया October 1, 2000 में। ये एसोसिएशन ऑफ आर इंस्ट्रक्टर इन ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी में ये एक एसोसिएशन थी। फिर हमारे पास आता है स्टेनली पैरिस जो था वो हमारे पास मेंबर था AAOMPT का, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपी, फर्स्ट हमारे पास प्रेसिडेंट है ऑर्थोपेडिक सेक्शन का। मेटलैंड क्लैटनबॉर्न पैरिस इस्टेब्लिश द टर्म मैनुअल थेरेपी, उन्होंने मैनुअल थेरेपी की टर्म इस्टेब्लिश की एजुकेटिंग प्रोग्राम के लिए और फिजिकल थेरेपी USA और अब्रॉड में फिजिकल थेरेपी के लिए मैनुअल थेरेपी की ट्रीटमेंट मैनुअल थेरेपी की टर्म एक्सप्लेन की। उसमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की, मतलब के ट्रीटमेंट प्लान के लिए डिफरेंट क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी। फिजिकल थेरेपिस्ट जो है उन्होंने बोला लेडर्स हैं डायग्नोसिस और मैनेजमेंट ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर, मतलब फिजिकल थेरेपिस्ट को मूवमेंट साइंटिस्ट भी बोलते हैं। मूवमेंट साइंटिस्ट मीन्स जितने भी मूवमेंट डिसऑर्डर्स होंगे, मोशन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। एविडेंस शो करता है कि मैनिपुलेशन और एक्सरसाइज जो है फिजिकल थेरेपिस्ट का मेजर टूल जो है वो मैनिपुलेशन है। एक तो वो मैनिपुलेशन के थ्रू जॉइंट मैनिपुलेशन करेंगे उसके थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं और दूसरा एक्सरसाइज के थ्रू। तो एविडेंस शो करता है कि मेजर जो टूल्स हैं फिजिकल थेरेपिस्ट के वो मैनिपुलेशन एंड एक्सरसाइज है। प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। लेजिस्लेशन नीड्स टू बी चेंज टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट PTs कैन डायग्नोज। अभी लेजिस्लेशन जो है उसे ज़रूरत है कि वो एक्नॉलेज करे, एक्नॉलेजमेंट करे और फिजिकल थेरेपिस्ट भी डायग्नोज करते हैं, इस फैक्ट को एक्नॉलेज करें। हिस्ट्री IFOMPT जो है वो 1974 में फॉर्म्ड हुई, जो कि वर्ल्ड वाइड प्रमोशन करती है एक्सीलेंस एंड यूनाइटी क्लिनिकल और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए, किस लिए, मैनुअल और मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। नेक्स्ट
सब ग्रुप है WCPT का, जो कि 1974 में फॉर्म हुई। IFOMPT जो है एजुकेशनल और क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स सेट करती है। ये जो WCFPT है, दैट स्टैंड फॉर वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था कि विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइज, विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइज को विलियम लंबर फ्लेक्शन एक्सरसाइज भी बोलते हैं। उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था लो बैक पेन के लिए दिया था, जिसका मकसद ये था कि लंबर एक्सटेंशन को अवॉइड करना और एब्डोमिनल और ग्लूटियल जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना। उसके एफर्ट हो ताकि लो बैक पेन जो है मैनेज हो, नॉन सर्जिकली मैनेज हो जाए। फिर ये उसने वही बात हुई कि ये काउंटर स्ट्रेन है लो बैक मैनेजमेंट के लिए। फिर मैकेंजी एक्सटेंशन प्रोटोकॉल हुआ इस तरह। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।